नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे हम कि अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी पीरियड एंड नॉट एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एंटिटी। मतलब जब भी अकाउंट मेंटेन करें, एक समय सीमा होती है कि इस सीमा के बाद आपको अकाउंट मेंटेन करना है अपना। ऐसा नहीं कि जब बिजनेस 10 साल चलेगा, 10 साल के बाद आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भाई, फाइनेंशियल ईयर नाम सुनते होंगे आप कि भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक अकाउंटिंग पीरियड चलता है, एक फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो इट इज़ अ अकाउंटिंग पीरियड। तो उस पीरियड में ही जो है, उस पीरियड का हमें अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। इसी को बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम जो है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के, माना कि हर साल के, हम अकाउंट कंपेयर कर सकते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट अकाउंटिंग हो पाती है, और प्रॉफिट और लॉस देख पाते हैं हम। एसेट कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, कितनी लाइबिलिटी बढ़ी, कितनी कम हुई है, ये हम हर साल हमें मालूम चलता रहता है, जिससे कि बिज़नेस एफिशिएंटली आगे बढ़ सके। और हम पीरियडिक रेवेन्यूज़ भी मैच करते रहते हैं कि आखिर एक्सपेंस के मुकाबले रेवेन्यू कितना आया, एक्सपेंस ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, जिससे कि डेफिसिट मालूम चल सके। इस बारे में भी हमें मालूम चलता है अगर हम पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसमें यही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अच्छी लगी वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब।